चार जी, आपने IIM क्रैक किया, IIT क्रैक किया, IAS भी, बट उसके बाद आपने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आपने प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन शुरू करी। आपके हिसाब से व्हाट इज अ सक्सेसफुल लाइफ? मैं सफल हुआ हूँ कि नहीं, वो तो सिर्फ मुझे ही पता हो सकता है। और कैसे पता होगा कि भाई भीतर अभी आग लगी रहती है कि नहीं लगी रहती, भीतर बात बात में डर क्लेश उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है, भीतर कोई बैठा हुआ है कि अभी भी जो एकदम ही छोटा है, पेटी क्षुद्र, जो दुश्मनों से चिढ़ता है, जो महत्वाकांक्षा रखता है, जो ईर्ष्या जलसी रखता है, अगर वो अभी से भीतर बैठा ही हुआ है तो फिर तो अभी भीतर बहुत काम बाकी है। और अगर काम बाकी है तो सफल कहाँ से हो गए। और अगर हम खुशी की बात करें, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में बहुत से लोग या अधिकांश लोग खुशी ही परस्यू कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस हैप्पीनेस की कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है? क्या हैप्पीनेस वो एक हेडोनिज्म वाली फीलिंग है जो लोग प्लेजर परस्यू करके अचीव करना चाहते हैं, या हैप्पीनेस कुछ और है? दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर जो समस्याएं हैं उनका कारण ही यही है कि हम जानते ही नहीं हैं निचली खुशी और ऊंची खुशी के बीच का अंतर। एक खुशी हमको आपको मिल रही है ये बातचीत करने में, और एक खुशी वो भी होती जो आपको सोने में और मुझको खाने में मिलती। खुशी तो दोनों ही कामों में मिल जाती, इस बात को करने में भी और सोने में खाने में भी, लेकिन एक निचली खुशी है, एक ऊंची खुशी है। दुनिया की मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर समस्याएं यही हैं कि हमें ऊंची खुशी का कोई मतलब ही नहीं पता। जो 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 हैप्पीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको हम जानते ही नहीं। ज़्यादातर जो हमारे प्लेजर्स हैं वो प्लेजर्स ऑफ बॉडी हैं, और जो हमारी हैप्पीनेस है वो सोशल डिक्टेट से आ रही है, समाज ने जो बता दिया, हम वही करने में और वही हासिल करने में खुश हो जाते हैं। और वो खुशी बहुत ना सिर्फ निचली है बल्कि उथली भी है, सुपरफिशियल भी है। उस खुशी में डर मिला होता है, वो खुशी बहुत दूर तक चलती नहीं, वो खुशी अपने पीछे पीछे गम और उदासी लेकर के आती है। तो अगर एक इसी बात को पकड़ करके लोग गहराई से सोच समझ लें कि कौन सी खुशी चाहिए मुझे, तो दुनिया बदल जाएगी। खुशियाँ बहुत तरह की हैं, खुशियाँ बहुत स्तरों की हैं, मुझे किस स्तर की खुशी चाहिए। जितने ऊंचे स्तर की आप खुशी चाहेंगे उतने ऊंचे स्तर का आपका जीवन होगा, और बस वही सब कुछ है। तो ये जो ऊंचे स्तर वाली खुशी है, एक मिडिल क्लास वाला आदमी कैसे अचीव कर सकता है? बात मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बूढ़े या बच्चे या आदमी या औरत की बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल तो हर समय हर व्यक्ति के सामने है कि तुम्हें इस समय कौन सी खुशी चाहिए। और ऐसा कोई होता नहीं है दुनिया में जिसके पास वो जो नीचे वाली खुशी है उससे रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से ऊंची खुशी का कोई विकल्प ना हो। एक अगर 8 साल का बच्चा भी है तो उसके पास ये विकल्प होता है कि शाम का वक्त हो रहा है, मैं बाहर भाग जाऊं और मैं बाहर दौड़ लगाऊंगा, फुटबॉल खेलूंगा, मैं उसकी खुशी ले लूं, या फिर मेरी परीक्षाएं आ रही हैं मैं उसकी तैयारी कर लूं, मैं उस तैयारी की खुशी ले लूं। तो कोई भी इंसान हो, मिडिल क्लास कोई भी इंसान हो, उसको ये देखना होगा कि इस वक्त पे मेरे पास विकल्प क्या क्या हैं। आमतौर पे जो निचले तल का विकल्प होता है, लोअर लेवल का, वो आसान होता है, और जितने ऊंचे तल की खुशी होती है वो उतनी बड़ी कीमत मांगती है। वो कीमत आपको देने को तैयार होना चाहिए। थैंक्स अगेन। तो मैंने जितना भी जो लोग देखे जिन्हें हम महान व्यक्ति कहते हैं, मैं कहूँगा जो खुश दिखते हैं साफ, जैसे गौतम बुद्ध, बाबा नानक, महात्मा गांधी, इवन मार्टिन लूथर किंग, तो इन लोगों में जो मैंने चीज़ कॉमन पाई वो ये थी कि ये सर्विस कर रहे थे, दूसरों की मदद कर रहे थे। तो इज़ इट सेफ टू अज्यूम कि दूसरों की मदद करने में ही ऊंचे स्तर की खुशी मिलती है? इसको थोड़ा सा पलट दीजिए। अपने से आगे का कुछ करने में ऊंची खुशी मिलती है, अपने माने अपने सिस्टम से। हम दो हैं ना, अभी हमने बात करी थी, एक जो हमारा सिस्टम है, एक जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। एक जो
हमारा जेनेटिक जैविक तंत्र है और दूसरी हमारी चेतना। तो अपने सिस्टम को खुश करने की जगह अपने सिस्टम से आगे का, अपने सिस्टम से बियॉन्ड करने में ऊंची खुशी मिलती है। इसीलिए आपको बुद्ध की खुशी में और जो आम आदमी है उसकी खुशी में बहुत कम समानताएं मिलेंगी। आपने किसी कहानी में भी नहीं पढ़ा होगा कि बुद्ध ठाके मार के हंस रहे हैं, या कि बुद्ध रेव पार्टी कर रहे हैं, या कि बुद्ध कह रहे हैं कि टंगड़ी कबाब लेकर के आओ, आज तो मुझे चबाना है और 5 तरीके का मांस होना चाहिए तभी तो मुझे खुशी मिलेगी। बुद्ध की खुशी अलग है और आम आदमी की खुशी बिल्कुल अलग है। और बुद्ध की खुशी असली है, आम आदमी की खुशी ऐसी है कि फिर उसको तमाम तरह के मेंटल डिसऑर्डर भी हैं, ज़िंदगी भर डरा हुआ भी रहता है और ज़िंदगी भर अपनी इंटरनल बॉन्डेज में रहता है। आपने आज तक कोई तस्वीर देखी है बाबा नानक की जिसमें वो हंस रहे हो? लेकिन आप बुद्ध के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर देखेंगे, वो बहुत हल्की, एकदम सटल है। ठीक है, आम आदमी खुशी मानता है जब उसको बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं। महात्मा गांधी की खुशी इसमें थी कि वो, उनके पास पैसा भी था, बाहर के 2 देशों में रह के भी आए थे, बैरिस्टर थे और उनका खूब नाम हो चुका था जब हिंदुस्तान में वो उतरे। लेकिन हिंदुस्तान में उतरे तो उन्होंने कपड़े उतार दिए, उनकी खुशी बिल्कुल धोतीधारी फकीर बन जाने में थी। और हमारी खुशी इसमें होती है कि भाई मुझे नए वेस्टर्नाइज्ड कपड़े मिल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी के दीवाने तो सभी हैं, सवाल ये है कि तुम किस जगह पर अपनी खुशी खोज रहे हो। निचली और घटिया जगहों पर खुशी खोज करके हम अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर लेते हैं और पूरी पृथ्वी का नाश कर देते हैं। हमारा दावा ये रहता है कि खुशी सिर्फ एक तल पे होती है, वो है निचला तल। आप अगर किसी से जाकर के कहेंगे कि द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो इज अ कृष्ण और अ बुद्ध, तो उसको ये बात पचेगी नहीं। वो कहेगा नहीं, वो हैप्पी थोड़े ही हैं। आप उनको कुछ और बोल दीजिए, आप उनको एलिवेटेड बोल दीजिए, एनलाइटेंड बोल दीजिए, कंटेंटेड बोल दीजिए, लेकिन आप उनको हैप्पी क्यों बोल रहे हो? तो हम हैप्पीनेस शब्द को मोनोपोलाइज करके रखना चाहते हैं अपने लिए। हम कहते हैं साहब हैप्पी तो हम ही हैं, क्योंकि हमसे ये बात झेली ही नहीं जाएगी कि हम वास्तव में खुश नहीं हैं। खुश तो दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोग ही हुए हैं, लेकिन ये बात हमारे अहम को, हमारी ईगो को बहुत चुभेगी। तो और फिर चुभेगी नहीं, अगर हमने मान लिया कि हमारी खुशी बहुत निचली है और वो खुशी वास्तव में खुशी कहलाने लायक ही नहीं है, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी ना। हमें ऊंची खुशियों की कोशिश करनी पड़ेगी, उसमें मेहनत लगती है, उसकी कीमत देनी पड़ती है, और वो हम करना नहीं चाहते, आलस रहता है, मेहनत कौन करे। तो फिर हम कह देते हैं हम खुश हैं और वो सब जो बड़े लोग हुए हैं वो तो कुछ और थे, वो ऊपर के थे। खुशी शब्द को हमने अपने लिए आरक्षित किया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ये बात सुन के मेरे दिमाग में आती है कि हम में से वो लोग जो सिर्फ अपने निचले स्तर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, भाई खाना, सोना, सेक्स, और अपने से आगे नहीं जा रहे, तो क्या ये मानव जन्म व्यर्थ करने वाली बात हुई? नहीं, वो तो वही जाने ना। आप देखिए, आप उन्हें अगर बाहर से बताओगे, आप किसी आदमी को पकड़ो, उसको बोलो कि तू बस इसी में लगा हुआ है कि और कमा लूँ, और क्यों और कमाना है, ताकि मैं फलानी तरह का फर्नीचर खरीद लूँ और फलानी जगह वेकेशन पे चला जाऊँ, और यही सब तेरा चल रहा है और तेरे पास थोड़ा पैसा बढ़ जाता है तो तू जिस रेस्टोरेंट में खाया करता है तो उसका लेवल बढ़ा देता है, यही सब तेरा चल रहा है, तो तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मानव जन्म व्यर्थ जा रहा है, तो आपसे कहेगा साइड हटो साहब। ये तो उस व्यक्ति को खुद महसूस करना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में जबरदस्त कमी है। हाँ, आप उसके सामने एक उदाहरण रख सकते हो, आप उसके सामने उदाहरण से भी ज्यादा कुछ सवाल रख सकते हो, और अगर वो उन सवालों का बेबाकी ईमानदारी से जवाब देगा तो उसको दिख जाएगा कि वो खुद ही परेशान है। हमारी समस्या ये है कि हम मानते ही नहीं हैं कि हम बहुत ज्यादा बेचैन हैं और परेशान हैं। सपाट शब्दों में कहूँ तो हम असल में दुखी लोग हैं। हम जितना ज़्यादा खुशी का आयोजन अरेंजमेंट करते हैं,
वो बताता ही यही है कि हम अंदर से बहुत ज्यादा दुखी लोग हैं। हम दुखी बहुत हैं लेकिन शर्म आती है स्वीकार करने में, तो बाहर से फिर ये अट्टहास चल रहा है, हैप्पी फेसबुक फेसेस, और जिसको देखो वही ये बता रहा है कि आई एम सो गुड, ये मानने में कि मैं दुखी हूं जिम्मेदारी आ जाती है ना। फिर एक बार आपने मान लिया कि कोई चीज ठीक नहीं है, मैंने एक बार ही मान लिया ये मेरा मग रखा है कि ये ठीक नहीं है, तो उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी, या तो इसे ठीक करो, साफ करो, जो भी करना है, या फिर बदल दो। इसी तरह से अगर ये मान लिया कि मेरी जिंदगी ही ठीक नहीं है, तो जिम्मेदारी आ जाएगी कि ठीक करो, साफ करो, या बदल दो। तो कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए? उससे कहीं बेहतर है कि कह दो कि सब ठीक चल रहा है, बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले का माहौल है और बस 20-40 साल और रहेगा, उसके बाद वैसे ही कुछ बचना नहीं है, तो वही कर लीजिए आप 20-40 साल बल्ले बल्ले। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अब समस्या ये उठती है कि अगर इंसान की सोच में ये कमी है और उसका प्रभाव जो है वो सिर्फ उस इंसान पे पड़ रहा हो, तो लेट गो किया जा सकता है, भाई चलो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी पर्सनल चॉइस। पर समस्या यह, जिन चॉइसेस को लोग पर्सनल बताते हैं वो वैक्यूम में तो होती नहीं है, अब उसका प्रभाव हर एक चीज पे पड़ता है। आपने पहले टंगड़ी कबाब की बात करी, तो कोई बेचारा मुर्गा कटेगा, कोई बकरा कटेगा, अगर लोग डेयरी कंज्यूम करते हैं कोई गाय मरेगी, तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि लोगों की गलत सोच का खामियाजा पूरी पृथ्वी उठा रही है। सबसे पहले तो नॉलेज की ही कमी है, इतना हमको जो है लोगों को कंसिडरेशन, इतनी गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी कि 90-95% और ज़्यादा 99% लोगों को अभी फैक्ट्स पता ही नहीं है बेचारों को, क्योंकि उनको ना तो स्कूली शिक्षा में बताए गए, ना कॉलेज एजुकेशन में बताए गए, ना उनको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है, और ना ही सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत बातें कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब मेरे यूट्यूब चैनल पर और बाकी जो मीडिया हैं उन पर वीगनिज्म से रिलेटेड कोई पोस्ट ना डलती हो, और मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं इनको बोलूँगा कि मुर्गे के प्रति करुणा रखो, तो इनको बात समझ में नहीं आती और ये कह देते हैं कि भाई ये तो हमारी अंदरूनी बात है, पर्सनल बात है कि मैं मुझे मुर्गे के लिए करुणा रखनी है कि नहीं रखनी है, और 5 तरह के और कुतर्क करते हैं, कहते हैं मुर्गे के लिए करुणा रखूंगा तो फिर तो मेरे भीतर सेब के लिए भी करुणा होनी चाहिए, मैं सेब काहे को खाऊं। तो खैर, तो अभी पिछले कई सालों से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का या तो सबसे बड़ा कारण या दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है, इन्हें पता ही नहीं है। ये वाकई पूछते हैं कि ये आपने क्या बोल दिया, और इनको भरोसा ही नहीं होता तो ये हंसना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, मुर्गा काटने का या पोर्क या बीफ खाने का या मटन खाने का संबंध क्लाइमेट चेंज से कैसे हो सकता है, उनको किसी ने बताया ही नहीं है आज तक। और ये पता नहीं ये बात अज्ञान की है, भूल की है, या सीधे सीधे साजिश की है, क्योंकि जब देखिए हम बताना चाहते थे तब हमने जोर शोर से बता दिया। उदाहरण के लिए दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ये हम बताना चाहते थे और हमने जोर शोर से बता भी दिया कि त्योहार की गरिमा मर्यादा और आनंद किसी दूसरी चीज में है, उसको बेहतर तरीके से मनाया जा सकता है, और आज का समय ये अनुमति नहीं देता कि आप हवा को विषाक्त करें, तो तब तो हमने जोर लगा करके बता दिया बिल्कुल। लेकिन उतना ही जोर लगा करके पता नहीं क्यों हम दुनिया को, खास तौर पर आज के बच्चों को और नौजवानों को ये बता नहीं पाए हैं कि आप जो मांस खा रहे हो या अंडा खा रहे हो या डेयरी खा रहे हो, वो पूरी दुनिया के लिए कितनी भयानक और खतरनाक चीज है। लोगों को वाकई नहीं पता, अच्छे खासे पढ़े लोगों को नहीं पता, और मैं अभी स्कूल स्टूडेंट्स की नहीं बात कर रहा, मैं प्रोफेशनल्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं, उनको भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो एक मासिव अवेयरनेस कैंपेन चाहिए जिसमें बात को बिल्कुल तथ्यों के साथ सीधे सीधे एकदम ऐसे कि
पांच साल का बच्चा भी समझ जाए, बताया जाना जरूरी है। अभी सबको यही लगता है कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, यह मेरा व्यक्तिगत मसला है। एक बड़ा लिबरल व्यू पॉइंट है ना कि आई विल डिसाइड व्हाट्स देयर ऑन माय प्लेट, और ये सुनने में बात इतनी अकाट इंडिस्प्यूटेबल लगती है कि आप कोई जवाब दे नहीं सकते कि हाँ साहब वो क्या खा रहा है ये तो उसका पर्सनल मसला है, या वो क्या पहन रहा है ये तो उसकी अपनी व्यक्तिगत बात है। लेकिन अभी तक लोगों तक ये नॉलेज, ये बेसिक साइंटिफिक फैक्ट ही नहीं पहुंचा है कि आप जो खा रहे हो वो बिल्कुल भी आपका पर्सनल मैटर नहीं है। आप जो खा रहे हो उसने इस पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया, और ये बात आंकड़ों के साथ और कई तरीके से पहुंची नहीं है। हम अपने तल पर जो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं, तकरीबन रोज ही इस पर कहते हैं, वीडियोस डालते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन उसमें ही मैंने कहा ना साजिश, दो चार बार सोशल मीडिया से अपना अकाउंट इसलिए बैन हो चुका है क्योंकि उसमें एनिमल क्रुएल्टी की हमने बात करी और वीडियोस डाले, तो सोशल मीडिया ने कहा ये वीडियोस डिस्टर्बिंग है। और कई बार, मतलब अब कम से कम 7-8 बार हो चुका है कि मेरे अपने अकाउंट्स बैन हो चुके हैं, और ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है। तो एक तो बात यह है कि बताने वाले बता नहीं रहे, और दूसरी बात यह भी है कि जिन माध्यमों से वो बताना चाहते हैं, जिन मीडिया का इस्तेमाल करके हम बताना चाहते हैं, वो मीडिया भी जबरदस्त इंटरेस्ट रखता है सच्चाई को छुपाने में। मीडिया क्यों इंटरेस्ट रखता है? क्योंकि मीडिया कैपिटल ड्रिवेन है, मीडिया कैपिटल ड्रिवेन है, और एनिमल एग्रीकल्चर और कैपिटल साथ साथ चल रहे हैं। तो कैपिटल मीडिया को भी संचालित कर रहा है, और कैपिटल ये जो पूरी मीट और डेयरी इंडस्ट्री है इसको भी संचालित कर रहा है। आप एक के खिलाफ बोलेंगे दूसरे आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा अपने आप। लेकिन फिर भी हमें जो इसमें आक्षेप है, इल्ज़ाम, वो अपने ऊपर लेना चाहिए कि हम लोगों को ठीक से बता ही नहीं पाए हैं अभी तक। लोगों को नहीं पता अभी तक कुछ, बहुत मासिव अवेयरनेस कैंपेन चाहिए। और उस अवेयरनेस कैंपेन में मैं समझता हूँ हम कंपैशन की बात ज़्यादा ना करें तो ठीक है, क्योंकि आज के समय में कंपैशन एक मुर्दा शब्द है। अभी तो आप यही बता दें, जैसे दिवाली पर बताया था कि आप अगर पटाखे चला रहे हो तो उससे पर्यावरण की हानि हो रही है, ठीक वही बात बताइए कि दिवाली पर पटाखे चलाने से पर्यावरण की जितनी हानि थी उससे 1000 गुना हानि हो रही है जब आप एक जानवर का कत्ल कर रहे हो, वो बताना बहुत जरूरी है। आज तक आपको जो लगता है कि मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स से इंसान ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, पर आपको लगता है कि क्या वो असल मायने में हम उसको सिर्फ तकनीकी प्रोग्रेस को प्रोग्रेस कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम कुछ भी करते हैं, एकदम जो मूल सवाल फंडामेंटल क्वेश्चन है वो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। हम प्रोग्रेस क्यों करते हैं, हम कुछ भी क्यों करते हैं, प्रगति क्यों चाहिए? कुछ भीतर है ना जो बेहतरी मांग रहा है, इसलिए प्रगति चाहिए। अब भीतर दो हैं, एक तो ये है कि ये शरीर है जो कह रहा है कि मुझे बेहतर कपड़ा चाहिए, ये शरीर है जो कह रहा है मुझे बेहतर मकान चाहिए, बेहतर खाना चाहिए, या बीमारी के खिलाफ मुझे बेहतर दवाई चाहिए, या कि मुझे अपने दुश्मन को मारने के लिए बेहतर हथियार चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में पहले से प्रोग्राम्ड हैं, और उसका प्रमाण ये कि ये सारी बातें जंगल के जानवरों में ही पाई जाती हैं। इंसान भी जंगल से निकल के आया है, जानवर भी जंगल में है। हमें अपने उन सब कामों को देखना चाहिए जो जानवरों से मिलते जुलते हैं। हम दूसरों से लड़ाई करते हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ाई करता है, घरों के भीतर लड़ाइयाँ होती हैं, देशों के भीतर लड़ाइयाँ होती हैं, देशों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये सारे काम जंगल में भी होते हैं, दो जानवर लड़ रहे हैं। और जानवरों में भी ऐसा होता है कई बार कि जानवरों के दो झुंड आपस में लड़ गए।
अब आपने अगर लड़ने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी बनाई है तो वो वास्तव में आपके बायोलॉजिकल सिस्टम द्वारा डिक्टेटेड है। आपका जो जानवर था भीतर वो लड़ाई करना ही चाहता था, तो उसने आपकी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके एक बेहतर हथियार बना लिया, उसने मिसाइल बना ली। आप समझ रहे हैं? वो बेहतर खाना खाना चाहता था तो उसने कई तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स बना लिए। वो और ज्यादा जानवरों को मार के खाना चाहता था तो उसने मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस बना लिए। आप इसको तरक्की बोल रहे हो? जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहता है, मान लीजिए किस लिए, कोई भी उसका उद्देश्य है। इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचना चाहता है तो हमने व्हीकल्स बना लिए और फास्टर व्हीकल्स बना लिए, मोर एफिशिएंट व्हीकल्स बना लिए। लेकिन अगर हमारा जो उद्देश्य है ये सब प्रगति के पीछे, सारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसके पीछे हमारा उद्देश्य बस अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जो हमारी पाशविक प्रवृत्तियां हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत गलत डायमेंशन में हो रही है। हम बस ये कह रहे हैं कि हैं तो हम जानवर ही, रहना हमें जानवर ही है, लेकिन हम ज्यादा नॉलेजेबल जानवर बनेंगे, ज्यादा लिथल जानवर बनेंगे, ज्यादा खतरनाक जानवर बनेंगे। हमें जो बुद्धि इंटेलेक्ट मिली है उसका इस्तेमाल हम अपने भीतर के जानवर, जानवर को ही मैं कह रहा हूँ, वो जो आपका जेनेटिक मसाला बैठा हुआ है, हम उसके इरादों को पूरा करने के लिए करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके भीतर आपकी एक चेतना भी बैठी हुई है, जानवरों में नहीं पाई जाती। इंसान और जानवर में अंतर यही है कि इंसान के पास एक ऐसी चेतना है जो लिबरेशन मांगती है, जो रियलाइजेशन मांगती है, जिसे बोध चाहिए, मुक्ति चाहिए। अगर आप जो प्रगति कर रहे हो बाहर, टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोग्रेस, अगर वो इसलिए हो रही है ताकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो रियलाइजेशन और लिबरेशन के डायमेंशन में आगे बढ़ सके, तब तो वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस असली मानी जानी चाहिए और वास्तव में फायदेमंद मानी जानी चाहिए। नहीं तो ये जितनी तकनीकी प्रगति हुई है पिछले हजारों सालों में, इस सबको हमें लगभग व्यर्थ मानना चाहिए, व्यर्थ ही नहीं खतरनाक मानना चाहिए, क्योंकि हमने जानवर के हाथ में मिसाइल दे दी है, हमने जानवर के हाथ में न जाने कितनी ताकत दे दी है खुद को बर्बाद करने की और पूरी पृथ्वी को बर्बाद करने की। और इस वक्त सबूत यही है कि हमने पूरी टेक्नोलॉजिकल तकनीकी प्रगति का इस्तेमाल खुद को बर्बाद करने के लिए ही किया है। जानवर और कर भी क्या सकता है, बंदर के हाथ में तलवार दोगे क्या होगा। तो साइंस बहुत सुंदर और ऊंची चीज है, बल्कि मैं कहूंगा सेक्रेट है, पवित्र है, क्योंकि आप जानना चाहते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल सही सेंटर से होना चाहिए। साइंस जब टेक्नोलॉजी में बदले तो वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होनी चाहिए कि मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है ताकि अब मैं और ज्यादा कंज्यूम करूंगा। भाई आपने एटम को फोड़ दिया, आपने न्यूक्लियस को फोड़ दिया, आप समझ गए न्यूक्लियस के भीतर जबरदस्त एनर्जी है, पर आप उस एनर्जी का कर क्या रहे हो? आपने उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया। क्यों बना दिया? ताकि आपको जब और एनर्जी मिलेगी तो आप उससे और ज्यादा डिमोलिशन कर सकते हो, आप नेचर को और ज्यादा बर्बाद और वेंडलाइज कर सकते हो। और नेचर को बर्बाद करने के लिए, प्रकृति को बर्बाद करने के लिए एनर्जी आ रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये साइंस का माने ज्ञान का जबरदस्त दुरुपयोग है। हम एकदम जानवर के ही तल पर रह जा रहे हैं। साइंस प्यारी चीज है और पवित्र भी, लेकिन उसका इस्तेमाल चेतना को उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए होना चाहिए। हमको बहुत बहुत साफ साफ ये सवाल पूछना पड़ेगा कि प्रोग्रेस माने क्या। और जब आप ये पूछोगे तो हमारे काम करने का तरीका, दुनिया को हमारे देखने का तरीका, पूरी पूरी इकोनॉमिक्स बदल जानी है। आप जो जीडीपी को लेकर के इतना शोर मचाते हो, आपको पूछना पड़ेगा कि मुझे जीडीपी चाहिए क्यों। आप जो इतना शोर मचाते हो कि एक देश उतना ही तो उन्नत है जितना वहां पर कोल का कंजम्पशन हो रहा है या जितना वहां पर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप पूछोगे कि मैं इस स्टील का करने क्या जा रहा हूं, ठीक ठीक बताओ मैं इस स्टील का क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं एक
तल पर जानवर हूं जो इवोल्यूशन के माध्यम से जंगल से निकला है, और दूसरे तल पर मैं चेतना हूं, कॉन्शियसनेस हूं। वो जो मैं स्टील प्रोडक्शन कर रहा हूं उसका इस्तेमाल मैं किसकी खुशी के लिए कर रहा हूं, इस जानवर की खुशी के लिए या हायर कॉन्शियसनेस की खुशी के लिए? ये सवाल पूछना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत गलत पैमानों पर, मैट्रिक्स पर प्रगति को नाप रहे हैं और हम कहीं के नहीं बचेंगे। एक बहुत अजीब सी हालत ऐसी आ सकती है जहां पे हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं प्रोग्रेस के, वो सब दिखा रहे हो कि हमने जबरदस्त प्रोग्रेस करी है। आपके पास एक डैशबोर्ड है, उस पर 8 तरीके के मीटर्स लगे हैं जो आपने ही बनाए हैं, और वो सब मीटर्स अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की को दर्शा रहे हैं, और सब मीटर्स दिखा रहे हैं कि आप कमर तोड़ तरक्की कर रहे हो, जबरदस्त तरक्की हो रही है, यहां भी तरक्की हो रही है, वहां भी तरक्की हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन आप अपने चारों ओर देखें तो पाएं कि बर्बादी ही बर्बादी है, धुआं और लाशें हैं बस, और आपके मीटर्स सब यही बता रहे हैं कि जबरदस्त तरक्की हो रही है, तरक्की हुई जा रही है, हुई जा रही है, तरक्की हुई जा रही है, और आदमी अंदर से भी बर्बाद हो रहा है और बाहर भी लाशें ही लाशें हैं और धुआं है और न जाने क्या क्या है। तो जो हमारी तरक्की की परिभाषा है वो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है। मेरा जो अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सब जानने समझने के बाद एक आम व्यक्ति करे तो करे क्या? आप उसके लिए कुछ टैंजिबल, कुछ ठोस कदम दे सकते हैं जिससे वो अपने जीवन की दिशा बदल सके? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए, हमें सोचना स्कूल में तो सिखाया नहीं गया। अब जैसे आपकी बातें आज सोचने पे मजबूर करती हैं, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच भी जाते हैं कि भाई हाँ, जो मैं कर रहा हूँ बड़ा गलत है, मेरे हर एक्शन के पीछे एक सफरिंग फुटप्रिंट है, तो मैं जीऊँ तो क्यों जीऊँ और कैसे जीऊँ? देखिए, जैसे आपने कहा था ना कि आदमी और उसके खाने का जो संबंध है वो वैक्यूम में नहीं होता, ठीक उसी तरीके से जब हम आम आदमी की बात कर रहे हैं तो ये बातचीत वैक्यूम में नहीं होती। ये आम आदमी वर्तमान में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना, अभी ही कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। तो जब आप पूछते हो कि फिर आम आदमी करे क्या, तो मैं कह रहा हूं क्या वो कुछ कर नहीं रहा, कर ही तो जा ही रहा है, वो जो करे जा रहा है उसी से तबाही हो रही है। तो क्या करे? सबसे पहले तो वो पूछे कि जो मैं कर रहा हूं वो करना जरूरी क्यों है, मैं क्यों करूं वो सब जो मैं अभी रोज कर रहा हूं, प्रतिपल अभी भी कर रहा हूं। देखिए, हम इसलिए नहीं बर्बादी के छोर पर खड़े हैं क्योंकि बाहर से कोई एस्टेरॉइड मीटेरॉइड आकर के हमको हिट करने वाला है और हम खराब हो रहे हैं, ठीक है ना? कोई एक्सटर्नल कैलेमिटी हमें स्ट्राइक नहीं करने वाली है। जो हमारी बर्बादी हमारे ठीक सामने है वो इसलिए क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें बर्बाद कर रहा है। और वो कौन है जो ऐसा कर रहा है? वो दुनिया का हर आदमी है। 800 करोड़ लोग इस वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, और 800 करोड़ लोग हैं दुनिया के, वो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, और जो वो कर रहे हैं वही हमें बर्बाद कर रहा है। तो हमें आप पूछते क्या करना चाहिए? भाई, जो कर रहे हो पहले वो तो रोको, फिर बताएंगे क्या करना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, रोक कैसे दें, उससे पेट चलता है। अरे बाबा, तुम क्या बोल रहे हो, तुम बिल्कुल ही विकल्पहीन हो, चॉइसलेस हो, तुम्हारे पास पेट चलाने का 10% भी कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो तुम उससे 10 डिग्री का भी डिविएशन नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते तो फिर हमें बचना क्यों चाहिए? फिर तो मशीन है, जिसके पास कोई चॉइस नहीं होती वो मशीन होती है। इंसान की चेतना का मतलब ही है कि उसके पास हमेशा विकल्प होता है, चॉइस होता है, ठीक है ना? हम हाँ बोल सकते हैं, हम ना बोल सकते हैं। तो हमें ना बोलना सीखना होगा। और ना बोलने का मतलब यही नहीं है कि जो हो रहा है उसमें बिल्कुल ब्रेक लगा दिया और खड़े हो गए। ना बोलने का मतलब है कि आप अपने आप को क्रमशः सुधारो, इंक्रीमेंटल चेंज चाहिए। वो मैं इसलिए ही बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग एक रास्ते पर एक ही तरीके से एक ही दिशा में चलते ही आ रहे हैं 20-40 सालों से, मैं उनको बोलूंगा कि आप यूटर्न ले लो तो वो ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है इंक्रीमेंटल चेंज, कि आप कुछ तो जो कर रहे हो उसको रोक के करो ना। लेकिन अंदर की बात ये भी बता दूं कि अब वो समय बहुत पीछे छूट चुका है जब इंक्रीमेंटल चेंज हमें बचा सकता था। हकीकत तो ये है कि इस वक्त हमको ड्रास्टिक चेंज चाहिए। इस समय पर हमको कुछ ऐसा चाहिए जो पूरे व्यवस्था को बिल्कुल बदल करके रख दे। तो लेकिन कुछ भी हो, देखिए, छोटा बदलाव हो या बड़ा बदलाव हो,
बदलाव आएगा तभी जब आप पहले माने कि बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप ऐसे हाथ खड़े करके मजबूरी का रोना शुरू कर देंगे कि नहीं साहब मैं तो जो कर रहा हूँ उससे अलग मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, और मुझे भाड़ा देना होता है, तो देखो मैं स्लॉटर हाउस में काम करता हूँ, अगर मैंने यहाँ काम करना बंद कर दिया तो मैं भूखा मर जाऊँगा, इतना मजबूर कोई भी नहीं होता है। देखिए इतना मजबूर कोई नहीं होता है कि आप एक जगह काम करना बंद करोगे तो आपको दूसरी जगह कुछ मिल ही नहीं सकता। हाँ आपको कुछ तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं, और आप कम से कम इरादा तो बनाओ, चलो आज नहीं छोड़ सकते, आज से आप कोशिश करनी शुरू करो, 2 महीने बाद छोड़ देना, 6 महीने बाद छोड़ देना। पर आप तो आम आदमी की कहानी है, क्योंकि इसी चीज़ से मैं रोज़ रूबरू होता हूँ। आप तो कह देते हो कि नहीं हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही है, हम मजबूर हैं उसको ठीक वैसा ही चलाने के लिए। मैं इस मजबूरी को बेईमानी मानता हूँ, इसमें मजबूरी कम है और सीधी सीधी खुराफात है। सब बदल जाए अगर आपकी नीयत हो बदलने की, और लेकिन उसकी अभी नीयत नहीं है तो हम रोते तो नहीं रह सकते कि उसकी नीयत नहीं है बदलने की, तो कुछ बदल नहीं रहा। पहल हमें करनी पड़ेगी, मुहिम हमें छेड़नी पड़ेगी। ज़रूरी है लोगों तक जी जान से अपनी बात पहुंचाना, क्योंकि अब वो हमारे पास समय नहीं है और बहाना बचा नहीं बिल्कुल कि कह सकें कि मैं क्या करूं। इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा, और इतिहास के लिए जो करे सो करे, भीतर अगर हमारे कोई बैठा है जो हमारे सब कर्मों का साक्षी है तो हमें माफ़ नहीं करने वाला अगर हमने इस वक्त जीतोड़ कोशिश नहीं करी। तो लोगों को समझाने की, लोगों तक बात पहुंचाने की, अवेयरनेस चेतना पहुंचाने की हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, लाइक एक व्यक्तिगत लेवल पे भी। एंड आई एम श्योर कि जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे और वो उम्मीद है इस पर अमल भी करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको बहुत बहुत सफलता और बहुत जल्दी मिले, आपका काम बहुत ऊंचाइयों पर जाए, और मैं चाहूँगा कि सैकड़ों हज़ारों और जवान लोग उठें जो ऐसे कामों को लें, जीवन को, पृथ्वी को, हम सब को, छोटे छोटे बच्चों को, सब जानवरों को, हर तरह के पेड़ को, पौधे को, पहाड़ को, सबको बहुत ज़रूरत है इस वक्त। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू।